तो EMRS में 2024 में 10,000 वैकेंसीज आने वाली है। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम के ऊपर कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और वीडियो का थीम लाइन है इस टॉपिक के ऊपर बात करना, 2024 में क्या आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और 2024 में EMRS कितना दूर है ये भी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बेट द कॉम्पिटिशन पे। बात करेंगे EMRS के एग्जामिनेशंस खत्म होने के बाद 8,000 प्लस वैकेंसी 2023 में हमारे सामने थी। अच्छे खासे कैंडिडेट्स अपीयर हुए, पेपर का लेवल बहुत शानदार रहा। 2024 में EMRS की वैकेंसीज में 10,000 प्लस वैकेंसीज के बारे में काफी चर्चा जोरों शोरों से है। तो बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बात कर लेते हैं। 2024 में वैकेंसीज काफी हैं, DSSS भी है, UPTGT PGT है, राजस्थान का पेपर लगा है, झारखंड का पेपर है, बिहार एस्टेट पेपर हमारे सामने है। तो चुनाव का भी माहौल है, बिल्कुल वैकेंसीज आएंगी हमारे सामने। लेकिन EMRS की अगर बात करें तो देखिए 2024 में अगर वैकेंसीज आती भी हैं तो आखिर में जाकर के इसका मौका हमें देखने को मिलता है। दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के फेवर की बात है। EMRS का पेपर एक बार होने के बाद पता चल गया कि पेपर आता कैसे है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यदि देरी से वैकेंसीज आती हैं तो तैयारी करने का एक अच्छा मौका और उससे पहले जो पेपर हम देंगे उसमें सिलेक्शन का मौका। तो खत्म होती बात, कंक्लूजन यही है कि इंतजार ना करें, अफवाहों पर भरोसा करना बंद करें, जो प्रैक्टिकल रियलिटी आपके सामने है, वैकेंसीज आपके सामने, उनको टारगेट करें और सिलेक्शन को इंश्योर करें। क्योंकि हम नहीं जानते कि 2024 का दिसंबर और 25 का आने वाला दिसंबर हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है। वर्तमान में जीना सीखें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने की पॉइंट्स, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीजों के ऊपर काम करें, क्योंकि सिलेक्शन तो अल्टीमेटली आपको लेना है। बेहतर है इंतजार से ज्यादा उस इंतजार के ऊपर काम किया जाए ताकि आपका जो इंतजार है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ कि हैशटैग सवालों में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई कॉमेंट तो जरूर बताइएगा। बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।